आई एम प्रीटी श्योर ये आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ। यहाँ पे इस सरजमीं पे, जम्मू कश्मीर की सरजमीं पे जितना टैलेंट है ना, मैं 20 साल क्रिकेट खेला हूँ, इतना कहीं मज़ा नहीं आया। मतलब मेरे दिल के ये करीब है, जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना, तो ये जो 2 साल मैंने यहाँ पे मेहनत की थी, ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। उसका रीज़न ये है, एक तो टैलेंट की आप बात करते हैं, और दूसरा यहाँ पे लड़के चाहते हैं कि हमें ना वो प्लेटफॉर्म मिले, और इसी वजह से उनके अंदर वो भूख है। और आई थिंक ऊपर पहुंचने के लिए ना वो भूख सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, टैलेंट से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद टैलेंट आता है। माशाल्लाह टैलेंट है, और जिस तरह से सपोर्ट सिस्टम बरकरार रहेगा, जो टाइम पे मैं यहाँ पे था उसी तरह से चलता रहेगा, तो बहुत लड़के आगे निकलेंगे। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमको दोबारा क्रिकेट खेलने को मिल रहा है और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या होगी। तो माहौल लगाए, जो जोश था, मतलब कमाल की बात यह है कि बारिश हो रही थी और ऐसा नहीं था कि एक बार रुका है, कई बार वो रुका है और उसके बाद भी लोग थे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ग्राउंड से पहले मैं फ़ैन्स की बात करूँगा कि यहाँ पे जो जुस्सा है क्रिकेट के लिए, आई थिंक वो काबिले तारीफ़ है। दूसरी बात, ये देखिए पहली बार मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे जब मैं था मेंटोर, यहाँ पे मैचेस खेले नहीं थे, तो पता है जब नया नया मैदान बना था। आइडियल, इससे बेहतर T20 क्रिकेट में आपको पिच चाहिए, वो आइडियल है, लेकिन जब आप पहली बार कुछ काम कर रहे होते हैं उसमें हज़ार मुश्किलात होती है, इतना आसान होता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो एक्सपोजर मिला है वो आगे जाके इस मैदान को बेहतर करेगा। देखिए सब सिचुएशन में हम थे, जिस तरह से हमने बैटिंग किया, सबको पता है कि पहले मैच में 125 रन में वो टीम ने ना डिफेंड लगभग कर लिया था आखिरी ओवर में, वो तो मैगी ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो जहाँ पे हम जा रहे थे जब बारिश आया, उससे पहले अगर 20 ओवर का खेल होता तो लगभग हम 135-140 बना लेते हैं, और इस पिच के हिसाब से आई थिंक वो बहुत अच्छा स्कोर होता। तो जिस तरह से ये पूरा गेम चला था, इकबाल अब्दुल्ला ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से रॉबिन बिस ने बैटिंग की, वो जो पार्टनरशिप थी और राइट एंड लेफ्ट एंड कॉम्बिनेशन का जो इस मुश्किल पिच पे पार्टनरशिप बना था, तो आई थिंक उसने हमें इस गेम में बनाए रखा था। और जिस तरह से फिर बाद में मेरी भी थोड़ी पार्टनरशिप हुई, यूसुफ भाई भी आए, वो आखिर में शॉट्स के लिए थोड़े, अनफॉर्चुनेटली पूरा गेम हुआ नहीं। अगर होता तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच ज़रूर निकालते हैं, लेकिन जब ख़त्म नहीं हुआ तो आप कुछ कह नहीं सकते।